ओम श्री साई राम। मैं श्री साई वचन चैनल से बाबा की बेटी आप सभी बाबा के बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की लीला जो है ये बाबा की बड़ी प्यारी सी लीला है और इसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से, मतलब बाबा जब आपको कभी कोई काम बताते हैं या कभी इनडायरेक्टली कभी कोई मैसेज कन्वे करते हैं कि आप ये करो, तो आप यकीन नहीं मानेंगे जब बाबा पर आप वो चीज़ छोड़ते हैं कि बाबा आप ही देखो कि मैं कैसे करूं। क्योंकि जब आपको नहीं समझ आता है कि आप उस जो बाबा ने आपको हिंट दिया है उस हिंट को आप कैसे कंप्लीट करो, तो फिर बाबा पर छोड़िए और उसके बाद देखिए कि बाबा फिर कैसे कैसे रास्ता निकालते हैं और आपसे वो काम करवाते हैं। और ये सेम मेरे साथ भी हुआ कि एक बार मैं, मुझे याद है मैं एक बार सुबह का संदेश सुन रही थी, तो उसमें था कि अपने हाथों से जो है एक साई सच चरित की बुक जो है वो किसी को दो, किसी ऐसे इंसान को दो जो मतलब जिसको ज़रूरत हो और जो वो उसको पढ़ सके। अब सच बताऊं तो मैं भी देना चाहती थी पर मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने मतलब कितनी देर तक सोचा कि आखिर वो बुक मैं किसको दूं और मुझे नहीं समझ आया कि आखिर मैं किसको दूं। क्योंकि आप जब किसी को कोई चीज़ देते हो, अब सपोज दैट बाबा की बुक है, बाबा की बुक वो इसलिए है कि एटलीस्ट आप किसी को दो तो वो कोई पढ़ सके। ये ना हो कि आपने किसी को दे दी और उसने मतलब बस भारी मन से कि चलो अच्छा स्पिरिचुअल बुक है रख लेते हैं, इस टाइप से नहीं। एटलीस्ट कम से कम अगर मैंने जितने दिल से दी उतने दिल से कोई बिलीवर हो जो बाबा को मानता हो और जो बाबा की बुक को उतनी ही श्रद्धा के साथ पढ़े, मेरा भी यही मानना था। तो मैं मतलब कितनी देर हो गई मुझे ये सोचते सोचते कि मैं आखिर किसको दूँ और मुझे नहीं समझ आया। और एक दो बार ऐसे भी हुआ कि पर्टिकुलर कुछ लोगों के नाम भी मेरे दिमाग में आए और आप यकीन नहीं मानेंगे मैं मतलब उन लोगों का नाम लेके कि चलो मैं उनको दूंगी बुक। और मैं बुक स्टॉल पे भी गई और वहाँ भी मैंने पूछा, जो मंदिर के साथी होती है उनसे पूछा, मैंने कहा वो साईं सचरत जी की बुक होगी, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हमारे पास तो नहीं है और हम ऑर्डर में ही बनवाते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कितनी बार ऐसे हुआ कि मैं जब भी थर्सडे मंदिर जाती थी तो मैं हमेशा मतलब कोशिश करती थी कि मुझे वो बुक मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। और मैं फिर सोचती थी कि शायद ये मेरे हाथ से नहीं होना होगा, ये मेरे लिए नहीं है। पर फिर वही बात होती है कि जब वो मेरे हाथ से थी तो वो मेरे हाथ से ही होना था। और हुआ क्या, कोइंसिडेंटली ऐसे हुआ कि मुझे मतलब अचानक मेरे मन में आया, आप यकीन नहीं मानेंगे मेरे पास बाबा जी की बुक है। और सच बताऊं तो मेरे पास भी कैसे आई मुझे आज तक नहीं याद है। मुझे इतना पता है किसी ने दी थी पर वो किसने दी थी मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। बस बाबा कैसे आए, वो अपनी बुक के थ्रू कैसे आए, मुझे तो ये भी नहीं पता। मेरी लाइफ है ना, कुछ चीज़ें तो बाबा के साथ ऐसी होती हैं कि मुझे खुद नहीं पता लगता और बाबा मेरे पास आ जाते हैं। तो ऐसे ही ये हुआ कि मेरे पास बुक थी लेकिन उसके बाद भी एक अजीब सी क्यूरियोसिटी होती है कि नहीं मुझे बुक चाहिए। और उसी के चलते मैंने सुशी जी को कॉल किया, मैंने कहा मुझे ना बाबा की बुक चाहिए है और आपका है कोई मतलब आपके हैं कोई नून में? तो उन्होंने बोला कि हाँ कोई बात नहीं मैं अरेंज करवा दूँगी। तो उन्होंने फिर गंगानगर वाले भैया हैं संजीव भैया, उन्होंने उनका उनको बोला होगा और उन्होंने फिर मेरे को कांटेक्ट किया और मुझे बुक सेंड करवाई। और ये बात है फरवरी की, फरवरी 2 या 3, उससे पहले उन्होंने वहाँ से कुरियर करवा दी थी। अब मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे पास बुक नहीं आ रही और तब तक दिमाग में ये चल रहा है कि मैं वो बुक दूँगी किसको। मैं सच बताऊँ तो मैं तब भी यही सोच रही थी कि मैंने मंगवा तो ली पर मैं वो दूँगी किसको, क्योंकि मुझे कोई नहीं समझ आ रहा था। और फिर मैं एक बार हर बार मतलब यही बोलती थी कि बाबा अगर आपने ये काम दिया है, अगर आप चाहते हो कि मेरे हाथ से किसी के पास बुक जाए और वो उसको सच्चे दिल से पढ़े, तो ये चीज़ अब आप ही देखोगे कि वो किसके पास जाएगी। और तब तक मैं बिल्कुल ही मतलब ब्लैंक थी। और एक दिन पता नहीं अचानक मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आपको ना बाबा जी की बुक जो है ना वो स्टार्ट कर देनी चाहिए रीडिंग।
क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो थोड़ा सा मतलब ठीक है, उनका नेचर वो प्रैक्टिकल ज़्यादा है, तो उनको ये होता है कि यार बाबा को मानते हैं ना, अब पर्टिकुलर बुक पढ़ने में क्या है, उनका मतलब ऐसे बिलीव है तो उनका अपना बिलीव है, तो मैं उनको कभी फोर्स नहीं करती, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर मैं किसी को फोर्स करूंगी या किसी को बोलूंगी अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा तो फिर मैं क्यों फालतू का नेगेटिव थॉट, क्योंकि आपके दिमाग में ना नेगेटिव थॉट जल्दी आ जाता है कि यार आप किसी को बोलोगे वो नहीं मानेगा तो फिर इसके साइड इफेक्ट्स ना हो, इसलिए बेटर है कि आप बोलो मत। सेम मेरा भी है कि मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ कभी भी कुछ भी करने के लिए। हाँ, उसका अगर दिल है, सामने वाले का दिल है तो वो करे, आई अप्रिसिएट कि मैं खुश भी होंगी और मैं अप्रिसिएट भी करूँगी, बट मैं फोर्स नहीं करूँगी। तो यही सेम मेरा उनके साथ भी था, तो बस ऐसे ही एक सजेशन मैंने दिया, मैंने कहा यू हैव टू स्टार्ट दिस, तो उन्होंने भी मतलब एक ना ना बोला ना हाँ बोला और एक न्यूट्रल सा रिएक्शन देके और चीज़ को ख़त्म कर दिया। तो मैं भी बस ऐसी थी, पर मैं फिर भी सोच रही थी कि आखिर मैं किसको दूंगी ये बुक और बाबा ने किसकी किस्मत में ये बुक लिखी है सीरियसली। फिर अचानक ये हुआ कि मेरे हस्बैंड को जो है वो शहर मूव करना पड़ गया कुछ ही बिजनेस के उसमें, तो उनको 1.5 मंथ के लिए हम लोगों से दूर जा रहे थे वो। तो जब वो पैकिंग कर रहे थे तो उससे पहले मुझे कॉल आया कि आपको ना आपकी जो बुक है वो आ चुकी है। तो मैंने कहा ओके, तो अभी मैंने भैया से बोला, मैं कहा भैया प्लीज़ आप घर तक पहुंचा देंगे? बोले नहीं, अभी तो मैं जा चुका हूं और आप कल मॉर्निंग में मुझसे वो बुक ले सकते हैं। और मैंने कहा चलो ठीक है। ये 2nd या 3rd फेब की बात है, तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मतलब शाम को अचानक मतलब हम मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बात हो रही थी, तो हस्बैंड ने अचानक बोला कि एक काम करना, जब मैं कल जाऊँगा ना तो मुझे वो बाबा जी की बुक भी रख देना। मतलब मैं सरप्राइज तो क्या, मैं शौक ही होगी कि आखिर अचानक उन्होंने मतलब ऐसे मतलब कैसे बोल दिया। पर मैडम मतलब मैं आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मैं जो दिल से चाहती थी कि मेरे हस्बैंड इस बुक को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मैंने वो बुक रीड की है और मुझे पता है वो कितना मिरेकल है, सीरियसली वो मिरेकल है बुक। और मैं जितनी बार भी उसको पढ़ती हूँ उतनी बार ऐसे लगता है कि नहीं कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा है, और हर बार उसको पढ़ती हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ लेकिन पढ़ती ज़रूर हूँ मैं, जितना बाबा मेरे से पढ़वा लेते हैं मैं उतना पढ़ लेती हूँ। तो जब उन्होंने ऐसे बोला तो मैं बहुत बहुत खुश हो गई। और उसके बाद ये देखिए कि हस्बैंड ने मेरे मॉर्निंग में निकलना था 10:30 के समथिंग, और मैंने भैया को कॉल किया मॉर्निंग में, मैंने कहा भैया वो बुक आ गई है? कहते हैं हाँ, बस मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ पोस्ट ऑफिस और आप वहाँ से पैसे कलेक्ट कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा और बाबा ने आपके लिए बुक भेजी है और आप एक काम करो कि पोस्ट ऑफिस से लेके आनी पड़ेगी। और जिस दिन मेरे हस्बैंड ने वहाँ से मूव करना था, घर से मूव करना था, और उसी दिन सेम वो खुद लेकर आए वो बाबा जी की बुक। और लेकर आने के बाद मैंने, मेरी 2 बुक्स थी हो गई फिर, तो मैंने फिर एक बुक उनको पैक करके दी, उसमें बाबा जी की फ़ोटो भी दी, फिर मैंने वो बाबा जी की फ़ोटो भी उनको दी, और वो फिर दोनों लेके और वहाँ से फिर मूव किए। तो ये था बाबा का कि बाबा ने वो बुक जो है वो अपने मतलब मेरे हस्बैंड को स्टार्ट करवाना था, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि वो पढ़ें, मैं दिल से चाहती थी कि वो रीड करें और वो दिल से रीड करें, किसी मजबूरी में नहीं। मैं नहीं चाहती कभी कोई फोर्सफुली काम करे। मैं तो ये भी कहूँगी कि यार अगर कोई मत्था भी अगर बाबा को टेक रहा है ना या कोई मंदिर भी जा रहा है तो वो दिल से जाए, ज़बरदस्ती वाला नहीं होता, क्योंकि ज़बरदस्ती जब आप जाते हैं तो आपका दिल नहीं होता, वो एक्सेप्ट नहीं होती है, सिंपली एक चीज़ है। तो बट बाबा को ये मंजूर था कि उनको स्टार्ट करवानी थी। और सच में मतलब अब तो ये है कि मेरे हस्बैंड भी टोटली मतलब ही इज़ टोटली बिलीव इन बाबा, और मैं बहुत सच्ची मैं बहुत खुश हो गई थी वो चीज़ देख के कि मतलब मैं बाबा को हमेशा बोलती थी। और ये नहीं पता था कि जिस काम को बाबा ने मुझे दिया है वो बाबा इस तरीके से पूरा करवाएंगे। आप मतलब आप खुद सोचिए, मैं खुद भी कई बार ऐसे सोचती हूँ ना कि मैं महीनों से सोच रही थी, मुझे ये अक्टूबर नवंबर में मैसेज आया था और मैं मैसेज सुना था मैंने, और
मैं नवंबर से ये सोच रही थी कि आखिर वो बुक मैं किसके लिए लेकर आऊँ, मैं देना चाहती थी, बाबा ने कुछ बोला है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना कर सकूँ मैं करना चाहती हूँ, सच बताऊँ तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं किसको दूँ, किसको रिक्वायरमेंट है, मुझे कभी अपने सराउंडिंग कोई समझ ही नहीं आया। तो उसके बाद पर मुझे ये नहीं पता था कि बाबा मेरे हाथों से ये करवाएंगे, और उस मैसेज में ये भी था कि तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मैं तुम्हारे हाथों से ही किसी को दिलवाऊंगा, पर मुझे नहीं पता था कि वो मेरे ही घर में जाएगी और इस तरीके से जाएगी। तो ऐसे हैं बाबा, बहुत प्यारे हैं, और सच में मतलब ऐसी ऐसी लीलाएँ कर जाते हैं ना कि जिनको हम सोच भी नहीं सकते। तो मेरी लाइफ में तो खैर सच बताऊँ तो मेरा हर दिन जो है वो बाबा के साथ शुरू होता है, बाबा के साथ ही ख़त्म होता है। और सच में मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं मतलब ब्लेस्ड, सीरियसली ब्लेस्ड, और सारे बच्चे जो हैं बाबा के, सच में सारे बच्चे जो हैं वो ब्लेस्ड हैं। हर किसी की लाइफ में बाबा अलग अलग तरीके से आते हैं, अलग अलग तरीके से वो लीलाएँ करते हैं, अलग अलग तरीके से अपने होने का एहसास करवाते हैं, और उसके बाद वो अपने आप को साबित करते हैं कि नहीं, यकीन मानो मैं हूँ और सच में वो हैं। तो ये थे बाबा और ये हैं उनकी लीलाएं। तो आज दिल किया बस ऐसे ही याद आ गया एकदम से, तो मुझे लगा कि नहीं आज शेयर करती हूँ ये लीला। तो आई होप आप लोग सब लोग बहुत इन्जॉय करेंगे बाबा की ये लीला सुन के, जिस तरीके से मैं करती हूँ, मैं अपनी भी सुनती हूँ तो भी मुझे बड़ा मतलब बहुत खुशी होती है, और जब मैं किसी और की लीलाएं जब मैं शेयर करती हूँ, सुनती हूँ और जब उनको पब्लिश करती हूँ, तो सच यकीन नहीं मानोगे कि मैं उतना ही खुश होती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मतलब बाबा की सुन के ना ऐसे लगता है कि नहीं बाबा मतलब सराउंडिंग, और बाबा खुद शायद जब मैं बोल रही होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है शायद बाबा भी साथ में बैठ के सुन रहे होते हैं। तो मैं बड़े दिल से एटलीस्ट कर पाती हूँ, ये सब वो करवाते हैं, उनको पता है किसको कहाँ लेके जाना है और किसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो मुझे अगर वो इस यहाँ लेकर आए हैं तो वो उनकी मर्जी है, मैं तो बस चले जा रही हूँ। तो ये थी बाबा की लीला, और फिर मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपकी कोई लीलाएँ हैं, अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए या टेक्स्ट करके मुझे बताइए, तो हम ज़रूर पब्लिश करेंगे। और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बाबा का परिवार है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको सुन सके, ताकि हम सब इन सब चीज़ों को सुन के और इन्जॉय कर सकें, और साथ में मतलब ये समझ सकें कि बाबा हैं। कई बार होता है कि हमें मतलब हम परेशान हो जाते हैं, और इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें कई बार बाबा के होने पे भी डाउट होने लग जाता है, और ये परेशानियों में होता है कि आखिर कोई हमारे साथ नहीं है। इस टाइप से जब चीज़ें गुजरती हैं और जब हम इन हालातों से गुजरते हैं, तो मैं चाहूँगी कि उन बच्चों को भी इससे प्रेरणा मिले कि बाबा हैं, बाबा कभी किसी से दूर नहीं जाते और वो अपने बच्चों से कभी भी दूर नहीं जाते। बस उम्मीद रखिए, होप रखिए, बाबा ज़रूर आपके साथ ही हैं और आपको इन सब चीज़ों से भी दूर निकालेंगे। तो अगर आपकी कोई लीलाएं हैं तो आप ज़रूर शेयर करिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 84271-67704। मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार, 84271-67704। तो चलिए फिर अगली लीला में बाबा की अगली लीला के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए ओम साई राम।